नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। खूंटी लोकसभा सीट के लिए आज भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नॉमिनेशन फाइल किया। नामांकन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, वरिष्ठ नेता करिया मुंडा, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी साथ रहे। खूंटी के कचहरी चौक से अर्जुन मुंडा ने रोड शो भी किया। इस दौरान गाड़ी पर उनकी पत्नी मीरा मुंडा के साथ बाबूलाल मरांडी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद रहे। रोड शो के बाद पतरा मैदान में बीजेपी की जनसभा हुई। जनसभा में बोलते हुए बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मोदी जी देश विकसित करने की बात करते हैं और राज्य सरकार अपना घर विकसित करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप एक साधारण सदस्य को नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक मंत्री को जिता रखे हैं। इस राज्य को कई लोगों ने लूटने का काम किया है। यह चुनाव देश के लिए और झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है। विपक्षी कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी तो आदिवासियों की जमीन छीन जाएगी। हम सीएम रहे, अर्जुन मुंडा और रघुवर जी भी सीएम रहे, हमने जमीन नहीं छीनी। इन्होंने सरकार बनाई और जमीन छीन ली। मैं आप सबसे कहने आया हूं कि गठबंधन वाले झारखंड के विरोधी हैं। हमें संकल्प लेना है कि हमें यहाँ से अर्जुन मुंडा को जिताना है और देश में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि यह पंचायत का नहीं है, यह देश के नेता के चयन का चुनाव है। मोदी जी के नेतृत्व में देश की लोकप्रियता बहुत बड़ी है, जो पहले नहीं देखी गई। इसी मापदंड पर देश के नेता का चयन करना है। प्रदेश और यहाँ के हालात के बारे में मरांडी जी ने बताया आपको। जिस गठबंधन ने अपना नेता चयन नहीं किया, उन्हें कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं हो सकता। हमारा सपना विश्व के पटल पर भारत की प्रतिभा को स्थापित करना है। खूंटी का वोट ऐतिहासिक होना चाहिए। रिकॉर्ड मतदान करके अर्जुन मुंडा को जिताकर लोकसभा भेजना है। आपका चेहरा जीत का बोध कराता है। अपने उत्साह को चरम पर रखिए। मोदी जी ने टारगेट दिया है देश के लिए 400 सीट जीतना है, तो प्रदेश से 14 की 14 सीट मोदी जी को देना है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।